देखिए गुवाहाटी जो है वो बहुत ही पावन नगरी है। पावन नगरी प्रकृति के लिए तो है ही, प्रकृति यहाँ पे संपदाएं तो हैं ही, लेकिन माँ कामाख्या देवी की ये मरुभूमि है, दिव्य भूमि है, और माँ कामाख्या देवी के बहुरूप को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल आया है जिसका नाम है अंबुबाची फेस्टिवल। अंबुबाची मेले का आज प्रारंभ है और हम क्योंकि भगवान शिव को बहुत ध्याते हैं और माँ कामाख्या देवी का भी जो समझ लीजिए अतीत जुड़ा है, जहाँ से उद्भव हुआ वो भगवान शिव से ही हुआ, और सती माँ जब अपना एक रूप उनका यहाँ गिरा था तब से यहाँ पर कामाख्या देवी का बहुत प्रचंड धरती है, ये दिव्य धरती है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आज कैलाशा शिव की अलग जगाएंगे, माँ कामाख्या देवी का गुणगान होगा और यहाँ संगीत होगा। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, आज इंटरनेशनल योग डे भी है, आज बहुत सारे संयोग हैं, तो इन संयोगों को भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और गुवाहाटी आसाम के वासियों, ये धरती तो पहले से ही परमात्मा की धरती है, दिव्य धरती है। पूरी नॉर्थ ईस्ट में भी जब भी हम गाते हैं, हम क्या बताएं आपको, पूरे भारत में हर जगह गाते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल और म्यूज़िक में डूबे हुए पूरी तरह से हैं, तो यहाँ की एक अलग आभा है। मैं नमन करता हूँ इस धरती को और हम लोग थोड़ी ही देर में स्टेज पर जाने वाले हैं। और फिर आज हम भगवान शिव का एक यूनिक गाना हमने गाया था आदि योगी, आज वो हम गाने वाले हैं, वो एक सरप्राइज है। बाकी तो बहुत सारे हैं, बाहुबली के भी हम गाएंगे और हमारा एक अगड़ बम 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 लहरी वो भी गाएंगे। भूपेन हजारिका साहब जो हैं भारत के, अब तो वैसे भारत सरकार ने भी उनको भारत रत्न दिया है, लेकिन वो पहले से ही भारत के रत्न ही थे। वो भारत के एक संगीत के दिव्य रूप थे, संगीत के ऐसे थे जैसे गंधर्व रूप लेकर धरती पर आए हों। उनका गाना पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे भारत को, भारत की संपदाओं को, भारत की सभ्यताओं को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत के शिक्षा को, कला जगत को उनके गाने जताते थे, बताते थे। एक एक गाना उनका जो होता था सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता था, तो वो बहुत बड़े समझ लीजिए संगीत के संत थे भूपेन हजारिका। और इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, ये हमारे लिए गर्व के पल हैं। और परमात्मा ने चाहा तो एक ऐसा ट्रिविया मैं बताता हूँ, भूपेन हजारिका साहब का हारमोनियम मेरे पास है, मैंने वो बिड करके ऑक्शन में लिया, जिससे किसी संस्था ने हमें वो बिड करके दिलाया 5 लाख रुपए में, और वो पैसा फिर कुछ अच्छे कार्यों में लगेगा, मानव विकास कार्यों में लगेगा। मैं पिछले 2 साल से मैं ये करना चाहता हूँ, नई उड़ान नाम से मैं अपने जन्मदिन पर अपने खर्चे पर एक इवेंट करता हूँ, उसमें पूरे भारत से, मैं आसाम से भी, ऐ मेरे आसाम वासियों, आपके घर में बहुत टैलेंटेड, यहाँ आसाम गुणों की खान है, यहाँ के बच्चों से मेरा अनुग्रह है, प्रार्थना है, पेरेंट्स से प्रार्थना है, आप में यदि हुनर है तो नई उड़ान नाम का हमारा पेज बन गया है, बुक माई शो के साथ मिलकर हम ये कैंपेन चला रहे हैं डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, लड़के लड़की, वो लगाओ वहाँ पर अपना वॉइस, और देखो परमात्मा ने चाहा जो पैनल ऑफ जूरीज हैं, जो जजेस के पैनल में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, रेखा भारद्वाज हैं और हंसराज हंस हैं और हम हैं। यहाँ की पूरी धरती पर यहाँ संगीत और यहाँ की कला और यहाँ की जीवन शैली बहुत रिच है। यहाँ जो वो पखावत जैसा होता है ना, वो कैसा बजता है ना, यहाँ पर पूरा क्लासिकल म्यूजिक का अंग है, यहाँ फोक में भी, तो ये बहुत रिच कल्चर लिए हुए है आसाम। बिहू हमने अभी गाया ही नहीं लेकिन मैं आदि योगी गा देता हूँ। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन
धनन घननन उतरे मुझ में आदि योगी। थैंक यू।